हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी क्लास को मिस कर रहे होंगे. नहीं कर रहे? कोई बात नहीं, नहीं कर रहे तो आप कर लीजिएगा. जब करेंगे तभी तो पढ़ेंगे. तो आज कुछ दिन बाद एक मोटिवेटेड लाइन मैं लेके आई हूँ, जैसे दैट्स द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट. द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट, सबसे अच्छा रास्ता है, बेस्ट वे है क्या चीज? प्रिडिक्ट करने का. क्या प्रिडिक्ट करने का? प्रिडिक्ट मतलब होता है पता करने का, किसी चीज को एक्नॉलेज करने का. द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, वो फ्यूचर जो किसी चीज को बनाता हो, क्रिएट करता हो. ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. बेस्ट वे है अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके बनाना, मतलब सोचिए कि हम फ्यूचर में क्या करें, इस चीज को सोच के इसको प्रिडिक्ट करें और बनाएं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट. हमने उसे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था और बेसिक पढ़ा था. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जिब्रालिन और पार्थेनोकार्पी. सबसे पहले ऑक्सीजन के बाद एक हमारी एक छोटी सी हेडिंग थी, पार्थेनोकार्पी. ठीक है, इसमें क्या होता है? पार्थेनोकार्पी में ऑक्सीजन कैन इंड्यूस फ्रूट. ऑक्सीजन को क्या करते हैं? फ्रूट्स में इंड्यूस कर देते हैं. इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ये बिना फर्टिलाइजेशन के. पार्थेनोकार्पी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट क्या होता है, फ्रूट के अंदर ये ऑक्सीजन इंड्यूस करते हैं, जैसे लाइक एप्पल्स, बनाना, टोमेटो. और ये जो प्रोसेस होती है ये पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी का मेन क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स बनना. ठीक है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स नहीं बनते हैं. सो ऑक्सीजन कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. ऑक्सीजन क्या होता है? जब इंड्यूस किया जाता है तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट्स बनते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनना, दैट्स कॉल्ड द पार्थेनोकार्पी प्रोसेस. और वो फ्रूट्स क्या कहलाते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं. अब हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं, प्लांट हार्मोन की. हमने एक ऑक्सीजन की बात की थी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिब्रालिन की. जिब्रालिन क्या है? इट्स ऑल्सो प्लांट हार्मोन. ये भी एक प्लांट हार्मोन है ऑक्सीजन की तरह. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिब्रालिन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स लाइक. इनकी क्या होती है? अलग. जैसे ऑक्सीजन में एक ही होता है, ऑक्सीजन में कोई टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन जो जिब्रालिन है, इस जिब्रालिन में क्या होता है, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स में अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, जैसे GA1, GA2, GA3. ठीक है, ये हमारे क्या है? जिब्रालिन्स के फॉर्म्स हैं. ठीक है, तो ये जिब्रालिन के फॉर्म्स हैं. अब इसके बाद ये जो जिब्रालिन है, इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाती है, हम जिब्रालिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, जो जीए लिखा है तो जिब्रालिक एसिड 1, जिब्रालिक एसिड 2, जिब्रालिक एसिड 3. तो इनके अंदर हम सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ते हैं? जिब्रालिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं. और हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेरिस्टमेटिक जो रीजन होता है, मतलब बीच वाला, जैसे ये प्लांट है तो इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, जैसे स्टेम एपेक्स में, रूट एपेक्स में, बर्ड्स में, सीड्स में, इन सब में ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इनका फंक्शन क्या होता है? जो जिब्रालिन होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स बाय सेल इलोंगेशन. ये क्या करते हैं? जो सेल इलोंगेट होती हैं, लंबी सेल्स होती हैं, तो उनके जो इंटरनोड्स होते हैं, इंटरनोड्स क्या होते हैं, जैसे यहां से ये निकले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जहां से ये लीव्स निकली हैं, तो जहां से ये तो नोड्स हो गए, ये नोड्स हो गए, और जहां से ये जो बीच में दिए होते हैं, दैट्स कॉल्ड द इंटरनोड्स. ये मैंने लीव्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं. इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स. ये इंटरनोड्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बाय सेल इलोंगेशन. किससे? सेल इलोंगेशन से, जो सेल्स हमारी लंबी होती, इलोंगेट होती है, उनसे. इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन. ये क्या करते हैं? जो सीड डोरमेंसी है, मतलब जो सीड्स में क्या होता है, कोई दिक्कत है, खराब है, जितने भी इश्यूज हैं, उनको क्या करती है? रोक देती है. और इनिशिएट जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन की तरफ बढ़ावा देती है. कोई प्रॉब्लम है तो उसको खत्म करके उसको क्या करती है? जर्मिनेशन की तरफ बढ़ावा देती है.
दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, और ये क्या करते हैं, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी। ये क्या करते हैं, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट हो और अच्छे बड़े फ्रूट्स हो, एंड आर कैपेबल ऑफ ऑक्सिन इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी। और ये भी क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी में भी इंड्यूस करने के लिए ये इतने कैपेबल हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पी में बताया कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स का बनना, ठीक है, तो ये भी हमारा जो ये वाला हार्मोन है ये भी उसको प्रमोट करता है। दे आल्सो डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब होता है बुढ़ापा, एजिंग, ठीक है, मतलब जो प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, बहुत जल्दी फ्रूट्स वगैरह देना कम कर देते हैं, काफी पुराने जो प्लांट्स हो जाते हैं उनमें कुछ ऐसे इशू रहते हैं सेनेसेंस के, तो ये क्या करता है, उनको डिले कर देता है। एक समय के बाद जैसे उनमें जो सेनेसेंस की प्रोसेस होने लगती है वो क्या करता है, और डिले कर देता है। एक एज में जैसे हम लोग बुढ़े होते हैं वैसे हमारे प्लांट्स भी क्या होते हैं, पुराने होते चले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वो उनको डिले करने की कोशिश करता है कि कुछ समय वो एजिंग में ना हो। ठीक है, इट ऑल्सो यूज इन हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर में भी यूज होता है एंड फूड इंडस्ट्रीज, और फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, ये हमारी बागवानी होती है, क्या होती है, बागवानी होती है, तो ये बागवानी में भी यूज किया जाता है और ये हमारे फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। जैसे हमने ये देखा है कई बार, अब की यहाँ पे एक राजभवन में एक एग्जीबिशन लगती है, हर साल लगती है विंटर्स में, तो उसमें क्या था, एक यहाँ पे लौकी थी, लौकी हमारी ऑलमोस्ट या तो इतनी बड़ी होगी या इतनी बड़ी होगी, है ना, लंबी वाली, गोल वाली भी होती है, वहां पे ऑलमोस्ट मेरी हाइट से बराबर, यहां से भी थोड़ी सी ऊंची, मुझे याद नहीं कितने फीट की थी, वो सबसे लंबी लौकी थी और वो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसे गिनीज बुक में नोटिफाई भी किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये तो मुझे नहीं पता, ये ऑर्गेनिक थी इनऑर्गेनिक थी, लेकिन क्या होता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हर चीज में इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि वो जल्दी से ग्रो हो जाए और उनका जो कच्चा पन है वो पक जाए। एक जो आर्टिफिशियल होता है, मतलब एक नेचुरल जो होता है उसे खत्म करके ये आर्टिफिशियली उसे ग्रो करते हैं। ये जो हमारे हार्मोन्स हैं ना, साइटोकाइनिन, एब्रालिन, ऑक्सिन, ये सारे क्या करते हैं, उनको ग्रो कराते हैं तेजी से, रात में इंजेक्शन लगाया सुबह बड़ी, है ना, बट हमारे ह्यूमंस में नहीं होता ना कि छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाया वो बड़े हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना। इसी तरह इनहेंस लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स इन डॉर्फ प्लांट्स। ये क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को, किसके लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को, ऑफ इंटरनोड्स, जो हमारे इंटरनोड्स हैं उनकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इंटरनोड्स की, किसमें, ड्वार्फ प्लांट्स, जो बौने प्लांट्स होते हैं उनमें ये इंटरनोड्स को और बढ़ावा देते हैं, मतलब ग्रोथ को, इंटरनोड्स की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। जिब्रालिक एसिड इज यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। अब ये माल्टिंग और ब्रूइंग क्या होता है ये पता है आप लोगों को, ये जानिए माल्टिंग क्या होता है, जो हमारी माल्टिंग है क्या होता है, जो अन्न होता है, अन्न को अंकुरित करा के फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखा कर उत्पाद किया जाता है, मतलब उसको बढ़ाया जाता है। और ब्रूइंग इंडस्ट्री क्या होती है, ब्रूइंग मतलब होता है जहां पे अल्कोहल बनता है। ठीक है, ब्रूइंग इंडस्ट्री क्या है, जहां पे हमारी अल्कोहल बनती है वो हमारी ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है। और माल्टिंग होता है जो सीड्स को क्या करता है, सुखा कर गर्म हवा में उसे छोड़ा जाता है। ये था हमारा जिब्रालिक एसिड, जिब्रालिन की बात की। अब इस जिब्रालिन के बाद अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन की। ठीक है, ये हमारे यहाँ दो हार्मोन्स कंप्लीट हो गए। हाँ, मैंने लास्ट में दो दिन अभी क्लासेस ली हैं, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी आप लोगों के लिए। क्लासेस तो मेरी रेगुलर होती हैं, बट यहाँ पे कुछ इशू आ गया तो कोचिंग में तो मैं ले नहीं पाई थी कुछ प्रॉब्लम था, टेक्निकली इशू था जिसकी वजह से नहीं हो पाया था।
तो ये हमारा जिब्रालिन कंप्लीट हो गया, जो हमारा एक ग्रोथ हार्मोन्स है, नोड्स इंटरनोड्स में ज्यादा ये ध्यान देता है ग्रोथ में। और उसके बाद अब ये बात करने जा रहे हैं किसकी, साइटोकाइनिन की हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम थर्ड हार्मोन की बात करेंगे, कौन सा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है जैसे हमारा ऑक्सिन और जिब्रालिन का। ठीक है, तो हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन क्या है देख लेते हैं हम। मेरा मार्कर, मेरा पेन, मेरे वो सब मेरे पास होना चाहिए। जो साइटोकाइनिन है discovered in 1950s, ये 1950s में हुआ था by Skoog and Miller। ये कब discover हुआ था, 1950s में हुआ था, और किसने किया था, Skoog और Miller ने किया था। उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, Skoog and Miller। ठीक है, उसके बाद इट हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन सेल डिवीजन। ये किस स्पेसिफिक इफेक्ट डालता है, किसमें, सेल डिवीजन में। ठीक है, कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, दे आर प्रोड्यूस्ड इन रूट टिप्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ज़ाइलम सेल्स। एक पॉइंट और लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स डेवलपिंग फ्रूट्स और किसमें मिलता है, एम्ब्रियो में मिलता है। देखिए, जो हमारा साइटोकाइनिन होता है वो क्या करता है, जो साइटोकाइनिन है वो हमारे रूट टिप्स में प्रोड्यूस होता है। दे आर प्रोड्यूस इन रूट टिप्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ज़ाइलम सेल। वैसे भी हमें पता है कि रूट से जो भी चीज जहां जाती है तो रूट्स को, रूट से क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो रूट्स किसको भेजती है, दे आर प्रोड्यूस्ड, ये जो साइटोकाइनिन है ये हमारा रूट टिप्स में प्रोड्यूस होता है और इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ज़ाइलम सेल्स करती हैं। क्योंकि रूट में हमारी कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, ज़ाइलम सेल्स पाई जाती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन्स आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जो बड़ी अमाउंट में साइटोकाइनिन है वो कहाँ मिलता है, जो भी सीड हमारे जर्मिनेट हो रहे हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स में, डेवलपिंग फ्रूट्स में, जैसे फ्रूट्स हमारे डेवलप हो रहे हों वो, और एम्ब्रियो, इन सब चीजों में साइटोकाइनिन पाया जाता है। ठीक है, ये था हमारा साइटोकाइनिन के बारे में। और इसको किसने डिस्कवर किया था, 1950s में किया था, इसको और मिलर ने किया था। इसका जो स्पेसिफिक इफेक्ट है, इसका जो एक स्पेशल इफेक्ट है, मतलब किस चीज में इफेक्ट पड़ता है, इसका सेल डिवीजन में पड़ता है। ठीक है, किस में पड़ता है, सेल डिवीजन में। ठीक, आप इसके फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शन क्या है इसके साइटोकाइनिन के। जैसे हमने ज़िब्रालिन के देखे थे, जैसे ऑक्सिन के देखे थे, अब हम साइटोकाइनिन के भी देखेंगे। साइटोकाइनिन का सबसे पहला है स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन।
ये क्या करता है, स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, किसके थ्रू करता है, सेल डिवीजन के थ्रू करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, और भी एक चीज है इसमें, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये ज्यादा तेजी से काम करता है, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। ठीक है, ये हो गया, जो क्या करती हैं, विच स्टिमुलेट द ग्रोथ बाय सेल इलॉन्गेशन। ठीक है, स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, जो क्या करता है, सेल डिवीजन से प्लांट ग्रोथ करता है। जब सेल डिवीजन होता है तो प्लांट ग्रोथ क्या होती है, स्टिमुलेट होती है, एकदम से बढ़ती है। अगेंस्ट ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, किसके कंपैरिजन में, किसके अगेंस्ट में, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के कंपैरिजन में, विच स्टिमुलेट, जो क्या करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है बाय सेल इलॉन्गेशन, की लंबाई में हमारे सेल इलॉन्गेट होते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन सीड्स साइटोकाइनिन कॉज एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलेडंस। ये क्या करते हैं, कॉटिलेडंस को एक्सपेंड कर देते हैं, खींच देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इन सीड्स, सीड्स में साइटोकाइनिन कॉज एक्सपेंशन, सीड्स में क्या करते हैं, साइटोकाइनिन जो कॉटिलेडंस होते हैं ना, जो ऐसे हमारे ये बने होते हैं ना कॉटिलेडंस, इनको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं, दे ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। दे ब्रेक सीड डोरमेंसी, ये क्या करता है, ये सीड्स को ब्रेक कर देता है, सीड डोरमेंसी को खत्म करता है और जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है, जैसा अभी मैंने इसके बारे में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, ज़िब्रेलिन में भी था, इसमें भी है, दोनों में है। प्रमोट क्लोरोफिल सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, हर एक लवक में, एंड डिले लीफ सेनेसेंस। ठीक है, प्रमोट क्लोरोफिल, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल को प्रमोट करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल को प्रमोट करते हैं, क्लोरोफिल सिंथेसिस को। उसके बाद क्या करते हैं, किसमें प्रमोट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में इसको, क्लोरोफिल को प्रमोट करते हैं। और जो लीफ सेनेसेंस होता है, लीफ में जो बुढ़ापा आता है, एजिंग की प्रॉब्लम होती है, उसको ये क्या करते हैं, डिले करते हैं कि वो कुछ समय बाद होए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका लास्ट है ये, और क्या करता है, इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, ये क्या करता है, जो एपिकल डोमिनेंस है, ठीक है, ऊपरी हिस्से का जो बढ़ना होता है, जो छोटापन रह जाता है एपिकल हिस्से का, उसको क्या करता है, रोकता है। ये क्या करता है, उसको प्रमोट करना चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर बढ़े, डोमिनेंसी उसकी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये हमने आज इसके दो हार्मोन्स पढ़े, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अब इसके बाद हमारे एक दो हार्मोन्स और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एब्सेसिक एसिड और एक इथाइलिन। ये दो पढ़ के बस, और थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट
फिनिश हो जाएगा। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मेरे शॉर्ट्स देखते रहिए साइंस फैक्ट्स जानने के लिए, और स्वस्थ रहिए और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए जो कॉम्पिटिशन वाले हैं, और जिनका अब स्कूल ओपन आने वाला है वो भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। थैंक यू, टेक केयर क्लास।